नमस्कार सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। बीते दिनों देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें एक बार फिर भाजपा ने शानदार वापसी की। फिर वो चाहे भाजपा का गढ़ यूपी हो या महाराष्ट्र, वहीं सपा का लोकसभा चुनाव वाला फंडा इस बार काम नहीं आया। जहां इस बार चुनाव में योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा काफी चला, तो वह जीत का एक कारण और भी था जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य में एक ट्रेंड स्पष्ट रूप से उभरा। ये ट्रेंड है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चुनावी जीत में निर्णायक फैक्टर साबित हो रही हैं। राज्य भर में राजनीतिक दलों ने महिला केंद्रित कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है और उसे डिलीवर करते हुए महिला मतदाताओं का एक मजबूत समर्थन आधार बनाया है। महिला मतदाताओं का यह आधार राजनीतिक दलों के लिए मजबूत वोटर बैंक साबित हुआ है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे ने एक बार फिर से इस ट्रेंड की पुष्टि की है। इस पैटर्न ने इस बात को रेखांकित किया है कि राजनीतिक परिणामों को आकार देने में महिलाओं की भूमिका खास है। कुछ साल पहले तक राजनीतिक विश्लेषक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम मतदान प्रतिशत की आलोचना किया करते थे। यह स्थिति तब है जब वोटर लिस्ट में महिलाओं की मौजूदगी लगभग आधी है। इस अंतर को पाटने के लिए शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने देश में पहली बार ऐसी स्कीम लॉन्च की थी जो लड़कियों और महिलाओं पर फोकस की थी। इस स्कीम ने एमपी का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। चुनाव से कुछ दिन पहले लॉन्च की गई लाडली बहना योजना एमपी में गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना में महिला मतदाताओं को रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप भाजपा की भारी जीत हुई और ये रणनीति चुनाव जीतने का फॉर्मूला साबित हुई। पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिनके फोकस में महिलाएं हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य में महिलाओं की बेहतरी के लिए सीधा नगद ट्रांसफर शामिल है। मजेदार बात तो यह है कि इन योजनाओं को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया और बदले में सरकारों को जमकर वोट दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों से एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आई है। महिला मतदाता अब खामोश वोटर नहीं रह गई है। महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक दलों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी हैं, जो चुनावी रणनीतियों और शासन की प्राथमिकताओं को नया रूप दे रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना अब केवल एक सामाजिक अनिवार्यता नहीं रह गई है, ये भारतीय राजनीति में जीत के लिए रणनीतिक आवश्यकता भी बन गई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।